आ गई है, सब बट बनती है, बट तैयार है भाई। हाथ बार बार तीन बार हाथ धो चुके साबुन से। इसी में आया था, पता नहीं पड़ी गई होगी तो। छोटा मोटा काम क्या हुआ? अरे हाँ सब जाएगी, सब गमो। हाँ प्रेस नोट सबको दे दिया। मुझे हटा ले जाना जब फोटो हो जाए तो। खड़ा होने जाना मेन सरगना कौन है? दो तीन साल से कहाँ कहाँ असला मतलब सप्लाई होती थी, किस टाइप में कहाँ के लोग आते थे? बना के 2,000 नहीं 2,500 ये कह रहा है, लेकिन बीच में मीडिएटर्स थे जैसे पवन, ये हैं, ये लोग अपना बिकवाते थे, ये लोग 3,500-4,000 रुपये तक में। किसी को अच्छा अच्छा नहीं है, ये दोस्त दोस्त है तो हमने दो तीन दिला दिए दोस्तों को। सजाग था किस मामले में? पैरोल पे बाहर मर्डर में, हाँ मर्डर में था। हमारे चाचा चाची का मर्डर हो गया था और मौसी का 3 दोस्त हो गया था। जो कोने वाले हैं अमर, वो 2016 में केस फैंटिंग में जेल में रही नहीं थे सबसे पहले, तो डेफिनेटली वो तमंचा है कि उन शौक के लिए ठीक है। इनको ले अंदर अंदर कर दो। अरे इक्का दुक्का कोई आ ही जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर और पुलिस अधीक्षक पूर्वी महोदय के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश थे। उन निर्देशों के अनुपालन में हमारे SHO चकेरी श्री प्रमोद शुक्ला साहब, SI भुवनेश्वरी और चौकी इंचार्ज रामा देवी, चौकी इंचार्ज चकेरी, चौकी इंचार्ज अहिरवा, ये सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी में इनको जानकारी मिली कि हबीबा मस्जिद के पास में कुछ अपराधी हैं जिनके पास तमंचे हैं, तो वहाँ ये लोग तुरंत रेड दिए, जहाँ अमर इत्यादि 5 नफर अभियुक्तगण पकड़े गए जिनके पास से अवैध तमंचे 5 अदद बरामद हुआ। और जब इनसे पूछताछ की गई कि इन्होंने ये तमंचे कहाँ से खरीदे हैं, तो इन्हीं की निशानदेही पर स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी है कोयला नगर में, वहाँ पे एक प्लॉट में जहाँ मकान बन रहा था उस प्लॉट में जाके विजय, शिबू और पवन नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। विजय पहले भी कई बार जेल जा चुका है शस्त्र अधिनियम में ही, और जो पवन है ये करीब 1 दर्जन से अधिक अपराधों में पहले जेल जा चुका है, इसमें पैरोल पे छूटा हुआ, पैरोल कैंसिलेशन के लिए भी हमारे द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी।
और जो अमर नाम का अभियुक्त जो पहले तमंचे के साथ पकड़ा गया, पहले चेन स्नैचिंग के अपराध में इसी थाने से जेल जा चुका है। तो डेफिनेटली हम लोगों द्वारा ये भी पता लगाया जाएगा कि और किन अपराधों में इनकी संलिप्तता रही है। 8 अपराधी मिले हैं जिनके पास से 20 अदद तमंचे और सैकड़ों की संख्या में उपकरण असलाह बनाने के ये बरामद हुए हैं। थैंक यू। दूसरे राज्य में ये सप्लाई करते थे या ये कानपुर? नहीं, कानपुर और आसपास में ये ऑन डिमांड ये सप्लाई करते थे। यदि कहीं किसी ने बनाने के देने के लिए कहा तो फिर उसको इन्होंने दिया। थैंक यू।